अपने शहर में मैंने दो नए हॉर्न इंस्टॉल करवाए, ड्यूअल टोन हॉर्न, तो उसी की आवाज़ सुनाने के लिए, दिखाने के लिए आज आप लोगों को आरएमएल कॉलोनी में लेके जा रहा हूँ। इस हॉर्न के सभी डिटेल्स आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, कहाँ से लिया, कितने में लिया और कैसे इंस्टॉल किया हो। यहाँ पे नीचे मैंने बरोबर ऑक्स लाइट के नीचे इंस्टॉल कराया, वो सब मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ। तो चलिए अब निकला जाए, आरए का भी मज़ा लेते हैं और इस प्यारे हॉर्न के साउंड का और शेरा का भी आप लोग मज़ा लीजिए। चल शेरा, यही सही जगह है इस हॉर्न के साउंड को सुनाने के लिए। यहाँ से आरए स्टार्ट हो जाता है, मेरी फेवरेट जगह है आरए। यहाँ पे राइट पे अपना लस्सी वाला, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। बहुत ही प्यारी आवाज है इस हॉर्न की। ज्यादा बातें नहीं करूंगा अभी आप लोगों से, आप लोग बस शेरा और इस हॉर्न की आवाज को एंजॉय कीजिए। और 110% रिकमेंडेड है बाइकर पुष्कर की तरफ से, लेकिन अगर आपकी नई बाइक है तो प्लीज़ इसको इंस्टॉल मत करना, क्योंकि शायद से वारंटी वॉइड हो सकती है। एक साल की कुछ बैटरी की वारंटी रहती है, 1-1.5 साल की। जब आपकी वारंटी ख़त्म हो जाए उसके बाद आप लोग ये सब कर सकते हो। मेरे शेरा का जब वारंटी ख़त्म हुआ इंजन का, बाइक का, उसके बाद ही मैंने ये ऑक्स लाइट और ये हॉर्न सब इंस्टॉल कराए थे। जो स्टॉक हॉर्न है ना, उसकी आवाज़ इतनी खास नहीं है, हाईवे के लिए तो ऐसे ही हॉर्न्स चाहिए। अभी 19,090 किलोमीटर चल चुका है अपना शेरा। 19,000 पे मैंने सर्विस कराई थी शेरा की, और मैंने अब अपने शेरा को बजाज ऑथोराइज सर्विस सेंटर में देना बंद कर दिया है। बहुत ही अच्छा मैकेनिक मिला है मुझे, मुर्गन नाम का। क्या सर्विस की है, सर्विस में वो क्या क्या करके देते हैं, एक मिनट ना, 700 रुपये सर्विस के लेता है मुर्गन अन्ना, और उसमें क्या क्या करके देता है, मेरे सामने किया सब, रियर और आगे के व्हील के जितने भी बेयरिंग से उसको वो लोग निकाल के ग्रीसिंग करते हैं। बेयरिंग नहीं निकालते, मतलब एक्सल निकाल के ग्रीस करते हैं, बेयरिंग को ऊपर से ग्रीस करके वापस कैप लगा देते हैं। कार्बोरेटर साफ होगा आपका, ट्यूनिंग होगा, स्पार्क प्लग साफ होंगे, रियर और फ्रंट दोनों ब्रेक लाइनर्स क्लीन होंगे, और अगर जैसे कि आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा काम कराते हो जैसे चेन क्लीनिंग, वो सब उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होगा। और प्लस इसमें पॉलिश भी इंक्लूड है, पॉलिश भी करके दिया था मुझे शेरा को। बजाऊंगा और थोड़ा आगे जाते हैं। आरे का मज़ा ही अलग है, और साथ में शेरा की आवाज़ और इस हॉर्न की आवाज़, और आगे जा रही है अपनी बजा जा रही कॉम्पैक्ट, उसकी आवाज़। और इस बार भी मैंने मोथुल 7100 20W50 ऑयल ही डलवाया हो। अगली बार मैं सोच रहा हूँ लिक्वी मॉली ट्राई करूँगा, फुल्ली सिंथेटिक। अच्छा, आगे BST जा रही है, इसके लिए ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया। चलिए यहाँ से अब हम लोग लेफ्ट लेते हैं। ये देखो कितने भाजी वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ से शिफ्ट होके मेरे ख्याल से सामने गए। यहाँ पे जाके आते हैं क्योंकि ये थोड़ा शांत एरिया है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से सुन पाओगे अपने शेरा की हॉर्न की आवाज़ और शेरा की भी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? और
और जो मेरे नए सब्सक्राइबर है जिनको नहीं पता है शेरा कौन है, तो मैं बाइक को प्यार से शेरा बुलाता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे मालूम है आगे कुछ नहीं है, पूरा कचर पट्टी है, तो यहाँ से मैं यूटर्न ले लेता हूँ और अपन न्यूजीलैंड हॉस्टल के यहाँ से जाके, अरे बाप रे, और अपन न्यूजीलैंड हॉस्टल के यहाँ से जाके बाहर निकलते हैं हर बार की तरह। हॉर्न बजते ही सब लोग पीछे मुड़ के देखते ही है, इतनी प्यारी आवाज है हॉर्न की। और आज मैंने कैमरा का एंगल भी थोड़ा चेंज किया, मतलब ना गायरो सेंसर में हाई लो और मेरे ख्याल से ऑफ का ऑप्शन था, तो मैंने हाई पे रखा था तो क्या होता था, जूम हो जाता था एरिया, तो आप लोगों को ये पूरा दिख नहीं पाता था, सिर्फ इतना पोर्शन दिखता था। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने उसको लो पे रखा हो गायरो सेंसर के सेटिंग को, तो मेरे ख्याल से अब ये पूरा कवर हो रहा रहेगा इस मीटर के साथ अपने। ओहो, चल के यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और हॉर्न का मजा लेते हैं। ऐसे लग रहा है अपन गोवा राइड पर है, इन रास्तों को देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। अरे ये तो ग्राउंड है, मुझे पहले तालाब लगता था क्योंकि बारिश में पूरा भर जाता था, अभी बच्चे लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये रोड तो एकदम ही खराब है। और आज के बाद मैं मेरे शेरा को मुर्गन अन्ना के पास ही दूंगा सर्विस के लिए। अब ऑथोराइज सर्विस सेंटर में नहीं दूंगा क्योंकि आप लोगों को खुद पता है सर्विस में वो लोग क्या क्या करते हैं। इतना तो बेयरिंग को ग्रीसिंग व्रीसिंग एक्सल विक्सल को तो करते भी नहीं है वो लोग, सिर्फ वॉश करके एयर फिल्टर कार्बोरेटर स्पार्क प्लग और अपने लाइनस बस इतना क्लीन करके दे देते बाइक को। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी बाहर दो, आपकी अगर नई बाइक है वारंटी में है तो आप लोग सिर्फ सर्विस सेंटर में ही देना सर्विस के लिए अपने बाइक को। अरे यार रोड की हालत बहुत खराब है इधर। बहुत प्यारा था बच्चा। देखो आरे का मजा ही अलग है यार, ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, ये तो कहाँ ट्रैफिक में आप लोगों को मैं हॉर्न बताते बैठता बजा के। ये आ गया लाल सांड अपने मुंबई का BST। और ये राइट में आ गया अपना न्यूजीलैंड हॉस्टल। ये इसका नाम न्यूजीलैंड क्यों है मुझे भी नहीं पता है, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर आ रहे से है तो जरूर बताना कि इस हॉस्टल का नाम न्यूजीलैंड क्यों है। कोई दिख भी नहीं रहा है, सिर्फ एक वॉचमैन वहां पे बैठा हुआ है। देखो कितना शांत एरिया है, आंटी बैठी हुई है थक गई बेचारी।
यहाँ पर भी क्रिकेट खेल रहे बच्चे लोग। अरे यार ये रोड भी बनाना चाहिए लोगों को। यहाँ पर कभी मैं गया नहीं हूँ, चलिए यहाँ पर जाके देखते क्या है। अरे यहाँ पर तो रास्ता खत्म हो गया, ये सब घर है यहाँ पे, बहुत प्यारे बंगले के जैसे घर है छोटे छोटे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को ये हॉर्न सुन के, जरूर मुझे कमेंट में बताओ। 110% आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, जरूर खरीदना इस हॉर्न को, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अरे यार बहुत खराब रास्ते है, खराब पैचे से थोड़े थोड़े चलते हैं। लोग बस मजे लीजिए शेरा के और इस हॉर्न के। चलिए यहाँ से राइट लेके बाहर निकला जाए। वो आदमी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, मतलब इतना दूर होने के बावजूद भी हॉर्न की आवाज वहां तक पहुंच रही है। अब यहां से राइट ले लेता हूं। थैंक यू, ट्रक वाला बहुत अच्छे थे चाचा, हाथ दिखाया तो रुक गए। अब इसको क्या हुआ? अच्छा गड्ढा था लगता है। जितने भी मेरे एसेसरीज हैं जैसे कि ग्लव्स, ये मेरी कैशियो की फेवरेट वॉच, और ये हॉर्न्स, थंब स्क्वायर के ऑक्स लाइट्स, ये सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग खरीद सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं सर वॉच कौन सी है, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक देने के लिए।
अपने शेरा को 5 साल हो गए, 5वां साल चालू है, 19,000 किलोमीटर चल चुका है और आज भी मुझे सिटी में 45 का एवरेज देता है शेरा, और हाईवे पर लगभग 50-55 के बीच में, 52 के अंदर ही एवरेज देता है हाईवे पर, क्योंकि मैं 80 के ऊपर ही चलाता हूँ हाईवे पर, 80-90। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस हॉर्न के डिटेल्स बता देता हूँ तो चलिए सबसे पहले मेरे शेरा से आपको मिला देता हूँ। ये मेरा शेरा पल्सर 150, जिसको 5 साल पूरे हो चुके हैं और 19,000 किलोमीटर चल चुका है। किसी भी मैकेनिक को सर्विस के लिए देता हो ना, तो वो यकीन ही नहीं करता है कि 5 साल हो चुके हैं बाइक को। चलिए अब आपको मेरे नए ड्यूअल टोन हॉर्न दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो बरोबर ऑक्स लाइट के नीचे मैंने यूनो मिंडा के ड्यूअल टोन हॉर्न, इनको ट्रम्पेट हॉर्न भी कहा जाता है, ये मैंने अमेजोन से 650 रुपीज़ के मंगाए थे। सेट ऑफ 2 आते हैं, इसके साथ वायरिंग वीरिंग कुछ नहीं आती है, सिर्फ 2 पट्टी आती है। ये गोल्डन कलर की, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हो ये गोल्डन कलर की पट्टी आती है हॉर्न्स के साथ, इसको मैंने इंस्टॉल कराया हूँ। ये जो चेसी है, चेसी के बोल्ट पर ही यहाँ पर जगह है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें एक लगा दिया हो और एक वो साइड में स्टार्टर के पास लगा दिया हो। थोड़ा सा आप लोगों को मुंह नीचे रखना पड़ेगा हॉर्न का, क्योंकि वो साइड में स्टार्टर आता है तो ये पूरा स्ट्रेट नहीं हो पाता है, ऐसे भी अच्छे दिखते हॉर्न। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये इंडियन ब्रांड के, यूनो मिंडा, मिंडा तो आप जानते ही हो। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये रिले भी आपको लगाना पड़ेगा। ये देखो ये रिले आपको दिख रहा है ना, ये भी मैंने मिंडा का ही लिया हूँ, तो मिंडा ये सब चीज़ें बनाता है, हॉर्न बनाता है, रिले बनाता है, क्योंकि रिले के बगैर हॉर्न बजेगा ही नहीं, भले 12 वोल्ट की बैटरी रहे, रिले लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो कुछ इस तरह दिखते हैं अपने हॉर्न्स, और ये 110% रिकमेंड करता है बाइकर पुष्कर, ज़रूर लगाना अगर आपकी बाइक वारंटी में नहीं है तो, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। आपने तो आवाज़ अभी सुनी ही है, मुझे कमेंट में बताना कैसे लगे आपको ये शेरा के हॉर्न्स। तो चलिए निकला जाए, बहुत हॉर्न के मज़े लिए अपन ने आज। यहाँ पे बहुत संभल के राइट टर्न लेना पड़ता है। फ्रेंड्स टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट राइड में, तब तक के लिए साईं राम, खुदा हाफिज़।